जालौर बाड़मेर में पीने के लिए मिलने वाला नर्मदा का पानी इस बार उपयोग करते हुए सावधानी नहीं रखी तो गर्मी की सीजन में पेयजल की समस्या आ सकती है। राजस्थान के आवंटन में आने वाला पानी इस वर्ष कमजोर मानसून के चलते पहले से ही कम मात्रा में आवंटित हुआ था। उसके बाद रबी सीजन में 130 दिनों तक सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने के बाद अब 49.21 MCM पानी ही उपलब्ध रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नर्मदा विभाग की ओर से आज से रबी सीजन की सप्लाई को लेकर विभिन्न वितरिकाओं में छोड़ा जा रहा नर्मदा का पानी बंद कर दिया जाएगा। 1 मार्च के बाद जालौर व बाड़मेर जिले में नर्मदा का पानी केवल पेयजल उपयोग को लेकर ही छोड़ा जाएगा। ऐसे में विभाग के अधिकारियों ने कुछ दिन पहले बैठक का आयोजन कर पानी को अवैध तरीके से चोरी कर खेती करने पर वालों पर पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेश धवल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, देखिए 2 जिलों में 5 महीनों तक कम पानी की भी बताई जा रही है सिंचाई का पानी। जालौर बाड़मेर में आज से बंद रहेगा, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ऐसी, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से इस बार मानसून कम होने के कारण जो है वर्षा नहीं हुई और इसी कारण पानी की कमी के कारण अब आज जालौर व बाड़मेर में जो ये सिंचाई के लिए जो पानी जा रहा था वो बंद कर दिया जाएगा। इसके तहत अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी की सीजन भी आ रही है, अब गर्मी की सीजन शुरू हो गई है, इसको लेकर अगर पानी की बचत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और भी जो है जालौर और बाड़मेर दोनों जिले में को जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बैठक भी हुई थी जिसमें ये कहा निर्देश दिया गया था कि जिस तरह से वितरिकाएं हैं जो सासौर क्षेत्र में ज्यादातर नहरों से पानी जो है रबी की सीजन को पानी देते हैं, इसको लेकर अगर सोरी भी पानी की और सोरी भी करके पानी वो सिंचाई करते हैं तो इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। जी, शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।